अगर आप जेपीसी की तैयारी कर रहे हैं तो जेपीसी का कल विज्ञापन भी जारी कर दिया गया है। और बेसिकली जेपीसी के लिए जनरल स्टडीज का दो पेपर होता है, एक झारखंड से रिलेटेड होता है और एक जीएस वन होता है। तो हम लोग सिलेबस पे बात करेंगे आज, आपको हम जीएस वन के बारे में बताते हैं कि जीएस वन की तैयारी कैसे करें, उसमें क्या क्या क्वेश्चन आता है। तो और जनरल स्टडीज का जो पेपर वन है उसमें हिस्ट्री ऑफ इंडिया, भारत का इतिहास से 15 नंबर का प्रश्न आता है, जिसमें 5 प्रश्न आता है एंशिएंट इंडिया का, प्राचीन भारत का, 5 प्रश्न आता है मध्य भारत से और 5 प्रश्न आता है आधुनिक भारत से। तो 15 प्रश्न आएंगे और सभी प्रश्न का 2 अंक होता है, यानी कि आपका जो जनरल स्टडीज का पेपर होगा वो भी 200 अंक का होगा, पेपर वन भी और पेपर टू भी, और सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो होते हैं उसके एक प्रश्न के 2 नंबर होते हैं, 100 प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। तो 15 नंबर पूछे जाएंगे भारत के इतिहास से, जिसमें प्राचीन भारत, मध्य भारत और आधुनिक भारत, तीनों से 5-5 प्रश्न, यानी कि कुल 30 नंबर का जो परीक्षा है वो आधुनिक इतिहास से पूछा, आधुनिक इतिहास, मध्यकालीन भारत और प्राचीन भारत से पूछा जाएगा, यानी कि भारत के इतिहास से 15 क्वेश्चन। उसके बाद आते हैं ज्योग्राफी और इंडिया, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया से 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें जनरल ज्योग्राफी का 3 प्रश्न होगा, फिजिकल ज्योग्राफी का 3 प्रश्न होगा, इकोनॉमिकल ज्योग्राफी का 2 और सोशल एंड डेमोग्राफिक ज्योग्राफी का 2 प्रश्न होगा, यानी कि 10 प्रश्न जो होगा वो भारतीय भूगोल से संबंधित पूछा जाएगा। तो 20 नंबर का जो है वो आपका ज्योग्राफी से प्रश्न आएगा। तो हिस्ट्री का 30 नंबर से हो गया और ज्योग्राफी से 20 नंबर का हो गया। अब इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, तो जो पॉलिटिकल साइंस रिलेटेड क्वेश्चन है जिसमें पॉलिटी की बात और गवर्नेंस की बात की गई है, इससे रिलेटेड 10 प्रश्न होगा, जिसमें 4 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे भारतीय संविधान से, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से 4 प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी कि 4 × 8 नंबर का जो प्रश्न होगा वो भारत के संविधान से रिलेटेड होगा, और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड गुड गवर्नेंस से 4 प्रश्न होगा, और पंचायत और म्यूनिसिपल यानी कि स्थानीय शासन से भी 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी कि सत्ता का विकेंद्रीकरण कैसे किया गया है पंचायतों से, म्यूनिसिपैलिटी से, इससे 2 प्रश्न होंगे। तो कुल 10 प्रश्न जो हैं वो पॉलिटिकल साइंस से पूछे जाएंगे। अब आते हैं बी में, उसमें इकोनॉमिक एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी कि अर्थव्यवस्था और सतत विकास से संबंधित 10 प्रश्न होंगे, जिसमें बेसिक फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमिक्स, इंडियन इकोनॉमिक्स का बेसिक फीचर क्या है, इससे रिलेटेड 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक इशूज, सतत विकास और अर्थव्यवस्था की जो समस्या है उसके संबंध में 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एंड ग्लोबलाइजेशन, तो वर्तमान में जो अर्थव्यवस्था का बदलाव का दौर चल रहा है, वैश्वीकरण का दौर चल रहा है, इससे रिलेटेड 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी कि इकोनॉमिक से 10 प्रश्न हो गए, पॉलिटिकल साइंस से 10 हो गए, ज्योग्राफी से 10 हो गए और इंडियन हिस्ट्री से 15 हो गए। उसके बाद साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इससे 15 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें जनरल साइंस का 6 क्वेश्चन होगा और एग्रीकल्चर और टेक्नोलॉजी से भी 6 क्वेश्चन होगा और इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन से मात्र 3 प्रश्न होगा। तो 15 प्रश्न जो होता है वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से होगा। 10 क्वेश्चन झारखंड से रिलेटेड स्पेसिफिक पूछे जाएंगे, जिसमें झारखंड की जनरल अवेयरनेस की बात की जाएगी, हिस्ट्री की बात की जाएगी, यहाँ की सोसाइटी की बात की जाएगी और यहाँ के कल्चर और हेरिटेज की बात की जाएगी, यानी कि 10 प्रश्न इसमें भी, एक जीएस पेपर 2 है वो तो कंप्लीट है ही झारखंड का हिस्ट्री, लेकिन जीएस 1 में भी 10 प्रश्न जो ऐसे हैं, यानी 10 प्रश्न मतलब 20 नंबर का जो क्वेश्चन होगा वो झारखंड के रिलेटेड ही होगा। इसमें आपको झारखंड की हिस्ट्री, सोसाइटी, हेरिटेज, इन सब चीज़ों के रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और उसके बाद नेशनल और इंटरनेशनल करंट इवेंट्स, यानी कि करंट अफेयर्स जो क्वेश्चन होगा वो 15 होगा, यानी कि 30 नंबर का क्वेश्चन करंट अफेयर्स से होगा, जो कि नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स पर आधारित होगा। अब 15 क्वेश्चन जो होगा वो जनरल क्वेश्चन होगा, जिसमें मिसलेनियस नेचर होगा, मतलब उसमें कोई एक सब्जेक्ट नहीं होगा, वो मिसलेनियस होगा, मिक्सचर होगा, उसमें ह्यूमन राइट से रिलेटेड होगा, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन से रिलेटेड होगा, बायोडाइवर्सिटी से चीज होगा, क्लाइमेट चेंज से होगा, स्पोर्ट्स से होगा, डिजास्टर मैनेजमेंट से होगा और पॉवर्टी
पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड होगा, अवार्ड से रिलेटेड होगा, और यूनाइटेड नेशंस और अदर जो इंटरनेशनल एजेंसियां हैं इससे रिलेटेड होगा। तो ये कुल मिला के 100 प्रश्न होंगे और 200 अंकों का होगा। जनरल स्टडीज के लिए अगले वीडियो में हम लेकर आएंगे कि उनमें उनका सिलेबस क्या होगा और उनको उनमें क्या क्या पढ़ना है। उसके बाद हम लोग चैप्टर वाइज तैयारी करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।